इस क्वेश्चन में वेरीफाई एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ये एडिशन की जो एसोसिएटिव लॉ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर ग्रुपिंग को चेंज कर दिया जाए तो क्या एडिशन पर कोई फर्क पड़ना चाहिए, तो इसी चीज को हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे कि फर्क पड़ता है या नहीं। देखिए पहले वाई प्लस जेड था ब्रैकेट में, अब इधर राइट साइड में एक्स प्लस वाई आ गया ब्रैकेट में, और यहाँ एक्स की वाई की और जेड की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग इसमें एक्स की जगह इतना, वाई की जगह इतना और जेड की जगह इतना लिखकर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, जेड की जगह जेड की वैल्यू यहाँ से देखकर नोट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अब देखिए दो ग्रुप बन गए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, जो बाहर है उनको अलग ही रखेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, थ्री बाई फाइव प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट में ही यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, टेन और नाइन का एलसीएम क्या हो सकता है, तो वही नाइन्टी हो जाएगा। अब नाइन्टी हुआ तो नाइन से टेन को, नाइन्टी को डिवाइड करेंगे तो टेन बार में, तो माइनस सिक्स इंटू टेन प्लस, टेन से नाइन्टी को डिवाइड करेंगे तो नाइन बार में, उस नाइन का ऊपर नोमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा टू इंटू नाइन। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो आएगा उससे नोमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ भी, अब यहाँ देखिए एलसीएम नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव हो जाएगा, और सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और नोमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव नाइन जा उस नाइन का थ्री में मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री इंटू नाइन प्लस नाइन से डिवाइड कीजिए फोर्टी फाइव को फाइव बार में, नाइन फाइव जा और उस फाइव का यहाँ माइनस सिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक काम पहले ही कर सकते हैं, यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है माइनस। अब नाइन से डिवाइड करेंगे फोर्टी फाइव को तो नाइन फाइव जा, तो फाइव टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, नाइन फाइव जा फाइव आया, उस फाइव का सिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो फाइव सिक्स इंटू फाइव ब्रैकेट क्लोज प्लस टू बाई टेन हो गया। अब देखिए इनका हिसाब किताब करिए भाई, थ्री बाई फाइव प्लस माइनस सिक्सटी प्लस एटीन अपॉन नाइन्टी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी अपॉन फोर्टी फाइव प्लस टू बाई टेन। ओके नाउ थ्री बाई फाइव प्लस, अब यहाँ देखिए नोटिस कीजिए 60 माइनस है प्लस 18 है, तो 60 माइनस 18 यानी 42, और साइन कौन सी रहेगी बड़े वाले की, 90, साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। इक्वल टू नेक्स्ट देखिए, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 अपॉन 45 प्लस 2 बाई 10। ओके वी कैन सिंप्लीफाई इट, 3 वन जा 3 3 15 जा 45, और यहाँ भी इवन नंबर है दोनों, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए 2 से, यहाँ आ गया 21 और यहाँ आ गया 45, तो हमारा नया जो बना रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का माइनस कर दें, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया माइनस। ओके और 21 अपॉन 45 इक्वल टू यहाँ पर बचा माइनस 1 अपॉन 15 प्लस 2 बाई 10। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इनका एलसीएम हो गया 45, 5 9 जा उस 9 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 9 माइनस 45 से 45 वन बार में कैंसिल होगा, उस वन का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 21 इंटू 1 इक्वल टू यहाँ पर 30 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। आप इस तरह से डिवीजन मेथड जो करके कैंसिल करते हैं आप कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 15 से 2 को डिवाइड किए, 2 बार में कटा ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, उस 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 27 माइनस 21 अपॉन 45 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6 अपॉन 30। अब यहाँ देखिए फिर से यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 45 इक्वल टू 4 अपॉन 30। ठीक, अभी भी इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 जा और 3 15 जा, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 2 15 जा। अब देखिए इधर भी 2 अपॉन 15 आया, इधर भी 2 अपॉन 15 आ गया। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये वेरीफाई हुआ कि हाँ सही है, ये एसोसिएटिव लॉ सही होता है। एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वेरीफाई एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस जेड इफ एक्स इज इक्वल टू दिस वाई इज इक्वल टू दिस एंड जेड इज इक्वल टू दिस, देन यू शुड पुट दिस वैल्यूज इन दिस एट द प्लेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस।